आप लोग को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोग को सिंगल स्टॉक लिखने के लिए बताएंगे किस तरह से ग्राफ हम लोग बनाते हैं, ये बहुत आसान ही तरीका बताएंगे, तो आप लोग देखते हैं। अब चलिए, ये पहले सुम सेट स्क्वायर है। सेट स्क्वायर के क्या करेंगे, ये हमारा लेआउट किया हुआ है, तो लेआउट जब किया हुआ है तो इसको हम लोग सबसे पहले सुम ये लेआउट के बाहर से बनाएंगे, तो 10 mm यहाँ से ले लेते हैं। अब ये 10 mm यहाँ से ले लिए हैं और ये 10 mm ले लिए यहाँ से, तो ये 10 mm ले लिए तो छूट गया स्पेस। अब इसको हम लोग यहाँ से लाइन ड्रा कर लेते हैं। अब ये लाइन ड्रा जब कर लिए और फिर हमारा यहाँ से 10 mm इधर छोड़ दिए तो ये हो गया, और इसके बाद ये हो गया। अब ये हो गया तो इसमें हम लोग क्या किए कि ये जो है ये, तो ये हमारा हो गया। अब इसमें हमको ग्राफ खींचना है, तो ग्राफ खींचने के लिए अगर हमको 8 mm 10 mm खींचना है तो पहले हम इस पर नाप लेंगे। अब देखिए हम कैसे नाप रहे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ से मान लिया कि यहाँ से 10 mm हमको लेना, तो यहाँ हो गया और इसके बाद यहाँ, तो एक हम यहाँ मार्क बनाएंगे, ये पॉइंट हम यहाँ बना रहे हैं, और ये पॉइंट के बाद इसको फिर हम यहाँ बनाएंगे। तो ये पॉइंट जब बनाए हैं तो इसके बाद हो गया। अब इसको ये दोनों हम देखेंगे, तो यहाँ से रख करके ये दोनों को, और हम लोग यहाँ से लाइन ड्रा करेंगे। अब ये पॉइंट हो गया, ये लिए थे और ये पॉइंट लिए थे, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 10 mm का ये लाइन ऐसे गाढ़ा लाइन खींचेंगे, और जब ये गाढ़ा लाइन खींच लिए तब इससे हम लोग को ये लाइन ड्रा हुआ। अब ये लाइन से ड्रा है तो ग्राफ करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये लाइन को, इस वाला लाइन देख रहे हैं, इसको यहाँ से रखेंगे और इसको यहाँ से ये लाइन को हम लोग ड्रा कर देंगे, फिर यहाँ से रखेंगे इसको, ये लाइन को यहाँ से ड्रा कर देंगे, फिर यहाँ से रखेंगे, फिर ये लाइन को यहाँ से ड्रा कर देंगे, फिर यहाँ से रखेंगे ये लाइन को ड्रा कर देंगे, फिर यहाँ से रखेंगे ये लाइन को ड्रा कर देंगे। इस तरह से पूरा लाइन जो है ये यहाँ तक हम लोग ड्रा कर देंगे, पूरा एकदम लगातार। अब इसको यहाँ से खींचना है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा ये देख लेते हैं, ये इस तरह से है, तो ये लाइन पर हम यहाँ से रख दिए। अब ये लाइन जब यहाँ से रख दिए तो इस प्रकार से ये लाइन जो है यहाँ से ये लाइन को यहाँ से ड्रा कर देंगे, फिर यहाँ से ये लाइन को हो गया, इस पर ये लाइन को रखेंगे और फिर यहाँ से ये लाइन को ड्रा कर देंगे, फिर यहाँ से रखेंगे इस लाइन पे, तो इस लाइन पे रखेंगे तो यहाँ से फिर ड्रा हो जाएगा। तो ये जो सिस्टम है बहुत आसान ही तरीका है, इसको हम लोग आसानी से यहाँ से रख रख के ये लाइन से ड्रा करके अब ये हम लोग ग्राफ अच्छा से बना सकते हैं बहुत कम समय में, यानी इतना कम समय में कि बहुत फास्ट होगा और एक्यूरेसी में भी बनेगा भी। तो इस तरह से यहाँ जो है ये लाइन बाय लाइन बना करके ये हम लोग रखेंगे, तो इस तरह से ये ग्राफ बनते जाएगा। ये देखिए यहाँ से रखें, ये लाइन से हम लोग ड्रा किए, तो ये ग्राफ बनते जाएगा, इसमें लाइन इसे रख पर खींचते गए और फिर यहाँ से हम लोग यहाँ से ऐसे रख रख करके इसे खींचते गए। अब हम लोग लेटर कैसे लिखेंगे इसके बारे में देखते हैं, तो ये पूरा पेज पर इसी तरह से बनाना है, ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए। अब इसके बाद देखिए, अब इस तरह से पूरा तैयार हो जाएगा, हमको जितना है 10 mm 8 mm जितना भी लेना है उसी तरह से लाइन करके हम लोग सेट स्क्वायर से खींच देंगे। अब हम कैसे लिखते हैं, तो हम लोग को ध्यान देना है कि हम लोग जो लिखते हैं तो 7:4 में ये सिंगल स्ट्रोक जो है ये लेटर लिखाएगा, ठीक। और इसके बाद इसमें कुछ एक्सटेंशन है, ए हो गया और फिर एम हो गया और ये डब्ल्यू हो गया, ये 7:5 में लिखाता है, आई हो गया 7:2 में लिखाता है, 1, 2, 3, 4, ये 4 लेटर हैं, थोड़ा सा 4 को हमको दिमाग में रखना है। अब देखिए कैसे लिखाएगा, तो हम लोग देख रहे हैं ए एम डब्ल्यू 7:5 में, तो हम लोग यहाँ से गिन रहे हैं, काउंटिंग कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 7 यहाँ तक आ गया, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ तक आ गया, यानी कहने का मतलब है कि हमको जो है ये इतना तक, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक और ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतना में लिखना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ तक आ गया। अब हम लोग देखिए, ये लिखना थी तो बीच में हो गए, हाँ ये जो है ये तो बीच में होना चाहिए यहाँ से, तो जब ये बीच में होना चाहिए तो यहाँ पर जो बीच कॉर्नर खोजेंगे तो अढ़ाई होगा, तो अढ़ाई बजे यहाँ बीच कॉर्नर हम लोग यहाँ से नाप करके अढ़ाई बजे हम लोग बना लेंगे,
तो यहाँ पर जी बना लिए हैं, तो ये बीच कॉर्नर हमारा ये हो गया। अब हमको ये लिखना है, तो इसको हम यहाँ से ऐसे ड्रा किए, तो यहाँ से इसको ड्रा किए और यहाँ से इसको हमने ड्रा किया, ये ड्रा किया। अब इसके बाद यहाँ जो है ये इससे डेढ़ ऊपर, तो हम लोग डेढ़ ऊपर यहाँ आएगा और ये डेढ़ यहाँ आएगा, तो ये इसको हम लोग कर दें, तो ये जो है ये लिखा गया, ये जो है इतना लिखा गया, अब इतना हो गया, यानी ये यहाँ तक रहेगा। हमको बी लिखना है, तो बी लिखने के योगा स्पेस छोड़ दिए, 1 2 3 4 5 6 7, अब बी लिखना है तो एक स्पेस छोड़ दिए, ये लाइन यहाँ से जाएगा, तो यहाँ से ये कर दिए। और फिर यहाँ से दो तक, दो स्क्वायर तक यहाँ हम लोग ये ड्रा किए, ठीक। और फिर इसके बाद यहाँ तक दो स्क्वायर तक ड्रा किए। अब ध्यान से देखिए, यहाँ तक कर लिए, अब हमको सेंटर लाइन खोजना है, तो सेंटर लाइन खोजना है तो ये देखिए, यहाँ से ये वाला सेंटर लाइन यहाँ से खोजे, और इसको हम लोग यहाँ से रख करके, ऐसे यहाँ से रख करके, और इसको हम लोग यहाँ से घुमाएंगे, तो यहाँ से घुमाएंगे तो ये पूरा घूम करके यहाँ से देखिए, ये यहाँ से जो घूमेगा ये घूम करके यहाँ आएगा, तो ये लाइन यहाँ से घूम गया। और फिर ये वाला सेंटर हो गया यहाँ से, एक एक दो और दो स्क्वायर यहाँ से, तो इसको हम लोग यहाँ से लाएंगे और इसको भी हम लोग यहाँ से घुमाएंगे, तो यहाँ से जब घुमाएंगे तो ये हमारा घूम करके यहाँ से ये बनेगा। अभी बी हो गया, अब देखिए तो यहाँ 3.5 पर आया, तो ये 3.5 पर इसको हम लोग यहाँ से मिला लेंगे, तो ये हमारा बी कंप्लीट हो गया। इसके बाद सी हमको लिखना है, तो सी भी लिखना है, तो सी हमको आराम से यहाँ से इतना, ये तीन जो है 1 2 3 स्क्वायर इतना तक लाइन हमने ड्रा कर दिया। अब देखिए तो ये वाला सेंटर है कि नहीं, जब ये पर सेंटर है तो इस पर भी हम सेंटर बनाएंगे और हाफ सर्किल हम बनाएंगे, तो यहाँ से हाफ सर्किल बना रहे हैं, तो ये हमारा हाफ सर्किल यहाँ से बन गया, तो ये हाफ सर्किल बन गया। अब फिर यहाँ से हम लोग हाफ सर्किल यहाँ से बनाएंगे, ये सेंटर देखिए सीधे ई लाइन पर आ गया। अब यहाँ से हम लोग यहाँ से बनाएंगे, तो ये है, तो ये यहाँ से बनेगा। अब इसके बाद यहाँ से है, तो ये हमारा यहाँ से बना, तो ये बन गया, तो ये हमारा सी कंप्लीट हो गया। इसको थोड़ा सा ना हम अच्छा से सुधार लेंगे। अब हमको ओ बनाना है, तो इसको हम यहाँ से मिला लेंगे, तो ये हमारा ओ भी बन गया। क्यू बनाना है, तो यहाँ से इसको हम यहाँ से ये कर लेंगे, ठीक, ये क्यू हो गया। हमको यू बनाना है, तो यू बनाना है तो खाली इसको हम हटा देंगे, इसको हम हटा देंगे, तो ये वाला यहाँ से जाएगा, तो ये लाइन को खाली यहाँ कर देना है और ये लाइन को सिर्फ यहाँ कर देना है, तो ये हमारा यू हो गया। तो हमने देख लिया कि सी ओ क्यू और यू, ये तीनों बन गया। डी बनाना है, तो डी बी से हम लोग सीख लेंगे, ये वाला को हम लोग हटा देंगे और इतना तक प्रोसेस करेंगे। और डी लिखना है, तो ये वाला को हम लोग यहाँ से यहाँ तक ये मिला लेंगे। अब इसके बाद हम लोग देखें, ई लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, तो ई वाला लिखना है, तो ई वाला यहाँ से लिखेंगे, तो ई यहाँ से यहाँ ड्रा कर दिए, और फिर ये चार को स्क्वायर यहाँ ले लेंगे, तो इसको 1 2 3 4 ये यहाँ तक आ गया। और फिर ये हमारा जो है 1 2 3 4 ये यहाँ तक आ गया। ये देखिए तो 250 जा रहा है कि नहीं, ये 3.5 से, तो 3.5 से ये यहाँ तक दो स्क्वायर तक यहाँ तक कर देंगे, ठीक, ये हो गया। इसको हटा देंगे, इतना मिटा देंगे, ये वाला इतना, तो एफ हो जाएगा। जी लिखना है, तो जी इसी से लिखा जाएगा। अब हम लोग सी लिखे थे, तो सी इतना में खुला था, तो जब खुला था सी, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से राउंड कर दिए, अब इसको यहाँ से ये वाला जो है से रख करके हम लोग यहाँ से इतना अंदर कर देंगे, तो ये हमारा जी भी लिखा जाएगा। तो इस तरह से सी से जी भी लिखा गया। एच आसान है, आई जे, अब के लिखना है, तो जब के लिखना है तो के लिखने के लिए हम लोग यहाँ से ऐसे करेंगे। अब के लिखना, तो देखिए एक पीछे 1 2 3 4 यहाँ पॉइंट हो गया, और यहाँ से हम रख करके इसको हम मिला रहे हैं, तो यहाँ आ गया। और इसको जब यहाँ आ गया, तो फिर यहाँ से देखिए इसको हम यहाँ से मिला रहे हैं, तो हम यहाँ आ गया। अभी के लिखा गया, एल लिखना आसान है, एम देखिए कैसे लिखा गया 5 में, तो यहाँ से एम ई हो गया। और इसके बाद 1 2 3 4 5 ये 5 स्क्वायर एम लिखना है, तो यहाँ से इस तरह से हो गया। अब इसमें देखिए तो यहाँ से बीच में खोजेंगे तो 2.5 पर आएगा, तो ये 2.5 यहाँ से सेंटर हो गया, और इसको हम लोग यहाँ से मिला देंगे, और फिर इसको हम लोग यहाँ से ड्रा कर देंगे, एम लिखा गया। एन इसी तरह से लिखा, ओ फिर पी, पी लिखना है, तो पी लिखने का सबसे जो आसान तरीका है, ये देखिए यहाँ से पी लिखा गया, अब पी लिखाया। अब यहाँ से हम लोग देखिए पी लिखना है, तो
तो यहाँ से दो स्क्वायर तक स्ट्रेट लाइन खींच लिए और यहाँ से देखिए एक दो तीन चार स्क्वायर यहाँ से। अब इसमें हम क्या करेंगे कि ये वाला सेंटर जो आ रहा है दोपहर यही सीधे से हम लाएंगे, तो यहाँ से ये सेंटर हो गया। अब यहाँ से सेंटर को हम लोग यहाँ से ये इसको घुमा रहे हैं, तो यहाँ से ये घुमा तो घूम करके यहाँ से मिल गया, तो ये हमारा पी लिखा गया। और लिखना है तो इसका यहाँ पर जी डेढ़ है कि नहीं, यहाँ तो यहाँ से डेढ़ और ये हमारा यहाँ आ गया, तो यहाँ से आ गया तो इसको हम लोग यहाँ से मिला देंगे, तो ये हो गया, ये हमारा आर हो गया। एस लिखना है तो एस भी आराम से लिखाएगा, देखिए ए वाला बीच सेंटर है तो हम दोनों तरफ पहले हम सर्किल बना लेंगे, तो एस लिखना है तो हाफ सर्किल दोनों तरफ बना लिए। और ये वाला हमारा यहाँ से हो गया, इसको भी हम लोग यहाँ से बना लिए। अब एस लिखना है तो यहाँ से बना लिए। अब देखिए ये वाला हमारा यहाँ साढ़े तीन आता है, कहाँ ये साढ़े तीन जो है से यहाँ आता है, तो इसको हम थोड़ा सा पीछे करके हम फिक्स करते हैं। देखिए तो यहाँ से थोड़ा सा हम पीछे किए तो ये फिक्स हो गया, तो ये यहाँ से जो चला यहाँ से यहाँ मिल गया। इसको भी थोड़ा सा हम करते हैं यहाँ से पीछे, अब पीछे करके हम देखते हैं कि यहाँ तक आएगा, तो ये हमारा यहाँ तक आया। अब ये तो ये वाला जो चीज़ है यहाँ तक आया। अब इसको हम लोग सही सी वाला मिटा देंगे और इसके बाद थोड़ा सा हम सुधार लेंगे, तो ये हमारा एस लिखा गया। टी भी आसान है, यू भी, डब्लू, अब एक डब्लू हम देख लेते हैं। तो डब्लू हमको लिखना है तो पाँच भी लिखना है, तो हम डब्लू के क्या करेंगे इसमें हम देख लेंगे। तो डब्लू भी बहुत आसान है, यहाँ से हम लोग रखेंगे और इसके बाद देखिए एक और यहाँ दो का स्पेस है, एक दो तीन चार पाँच छः सात यहाँ तक आ गया, यहाँ तक एक दो तीन चार पाँच यहाँ तक, यहाँ तक इतना में लिखेंगे। अब देखिए यहाँ से डब्लू लिखना है तो देखिए यहाँ से ये हो गया और यहाँ से ये हो गया, तो यहाँ से हम लोग इसको यहाँ से ऐसे ड्रा किए और फिर यहाँ से इसको हम लोग यहाँ से ऐसे ड्रा किए, यहाँ तक हो गया। अब ये बीच में देखिए तो एक दो तीन चार पाँच है तो इसका बीच ये हो गया। अब यहाँ से इसको हम लोग यहाँ से मिलाएंगे ऐसे और फिर यहाँ से इसको हम लोग यहाँ से मिलाएंगे, तो ये हमारा जो है ये ऐसे मिलाएगा। अब डब्लू हो गया, एक्स बहुत आसान है, आप यहाँ से रखिए एक दो तीन चार और एक एक दो तीन चार यहाँ गया, इस सीधे यहाँ से कॉर्नर को मिलाना है, यहाँ से एक दो तीन चार पाँच छः सात, तो ये यहाँ से मिलेगा यहाँ तक, तो यहाँ से देखिए इसको हमने यहाँ से ड्रा किया और फिर यहाँ से तिरछे हम ड्रा किए। अब ये हो गया, वाई लिखना है तो वाई लिखना है तो इसको यहाँ से मिटार देंगे, इतना तो ठीक प्रोसेस है। और इसको सिर्फ जो है यहाँ से अगर ये दोनों मिटार करके और सिर्फ हमको यहाँ से इस तरह से कर देंगे तो वाई भी लिखा जाएगा, ये दोनों हटा देंगे। जेड भी आसान लिखना है, इस तरह से पूरा अल्फाबेटिक हम लोग लिख लेंगे, ये बहुत आसान है और आप लोग समझ गए सिंगल स्टॉक। थैंक यू।